तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिराकल जिसका नया सेटअप आ चुका है मिराकल थंडर का, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि कितना इजी है और कौन कौन से मॉडल इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सेटअप जो है वो डाउनलोड कर लेना है, आपको मिराकल सपोर्ट साइट से मिल जाएगा। ऐसा होगा तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, एफआरपी के बारे में आपको और भी जानने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे डिजिटल एडिशन आ चुका है मिराकल का, जिसमें शायद बॉक्स बॉक्स की भी आपको ज़रूरत ना हो। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप वैसे ही इसको रजिस्टर करा सकते हो। जिन लोगों के पास बॉक्स है वो अपने बॉक्स में रजिस्टर कराए, लेकिन ये डिजिटल एडिशन है सबके लिए, जिसके पास बॉक्स है या नहीं है। ठीक है, इसमें ना की ज़रूरत है और ना ही कोई बॉक्स की ज़रूरत है। यहाँ पर बॉक्स खुल रहा है हमारा और ये ओपन हो चुका है। इसका वर्जन है 3.17 जिसका वर्जन है, तो ये आप रजिस्टर करा सकते हो। अब इसमें क्या क्या ऐड हुआ है हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये मेनू ऐड हो चुका है, जो सिलेक्ट ब्रांड मॉडल आपको दिख रहा है एमटीके के अंदर, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, यहाँ एक अनलॉक मेटा मोड ऐड हुआ है, जिसकी वजह से हम ओप्पो के और कई सारे मॉडल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सिलेक्ट ब्रांड में जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे नया कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पर हमें सारे ब्रांड मिल जाएंगे जो जो कंपनी का है। तो अभी तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होता है वो ओप्पो और रियलमी का होता है। तो पहले तो यहाँ पर ऐड नहीं था, मतलब यहाँ पर दूसरा कस्टम सेटिंग के अंदर आता था जो कि यहाँ पर बाहर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओप्पो पर ला लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए FMT मोबाइल है, फॉर्म हो गया, हायर, ऐसे बहुत सारी ब्रांड है जो इस पर ऐड की गई है। ये हुआ का हो गया, हुंडई का भी है, जो हमने कभी फ़ोन भी रिपेयर नहीं किया होगा, ऐसी ऐसी कंपनी इसके अंदर ऐड की गई है। अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओप्पो का ऐड हो चुका है। यहाँ ओप्पो पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ओप्पो में कौन कौन से मॉडल हैं जो पहले नहीं थे। A1 आ चुका है, A1K नहीं था, आपको पता होगा शायद A1K इसके अंदर नहीं होता था, जो अब होने लगेगा। A3S इसमें ऐड नहीं किया गया है, जिसकी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर ऐड नहीं किया गया, वो UFI में ही होगा ISP से। और दोस्तों ओप्पो A3S का कोई भी वीडियो मत देखना, सारे फेक होते हैं, वो ISP के बगैर नहीं होता। अगर आपको कोई बता देता है कि नंबर डायल करने से हो जाता है तो ये बहुत ही फेक वीडियो होता है, ऐसा नहीं होता। स्टार हैज़ 813 हैज़ करके को सब करते हैं, लेकिन वो फेक होता है। जब ISP बताया जाता है वही रियल होता है वीडियो, तो उस पर देखना, कोई भी ऐसा वीडियो मत देखना। तो यहाँ पर हम A1K को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें क्या करना है। और यहाँ पर एक जेनेरिक MTK है, जैसे अगर हमें MTK फोल्डर से करना है तो वो कर सकते हैं, UFS से करना हो तो EMMC जो आती है उसमें से करना हो तो वहीं से कर सकते हैं, और ये UFS से भी कर सकते हैं। यहाँ जेनेरिक MTK कर देना है, फिर यहाँ पर फॉर्मेट पर आ जाना है। फॉर्मेट पर क्लिक करके ही करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ रिसेट मेटा मोड, तो अब हमको वही रहने देना है और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो चुकी है कि ये जो फॉर्मेटिंग डेटा है, यहाँ पर पहले हम नो दे रहे थे लेकिन अब हमें यस देना है, क्योंकि हम इसको जो है रीड करना नहीं चाहते, तो यहाँ पर यस कर देना है और दोनों वॉल्यूम माइनस और प्लस दबा के मीटा मोड में आके हमारा फॉर्मेट हो जाएगा फोन। दूसरा एक फोल्डर ऐड हुआ है अदर का, यहाँ ओप्पो के नीचे आपको अदर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर भी बहुत सारे मॉडल हैं जो कभी कभार आते हैं, ब्लैक फॉक्स का है, कैट का है, जो बहुत कम मॉडल आते हैं लेकिन उसका भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए बहुत सारे मॉडल हैं अदर में जाके, जिससे जिसका हम FRP और पासवर्ड दोनों अनलॉक कर सकते हैं।
तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और अच्छा है, टीम ने वर्क अच्छा किया है। मिराकल बॉस की टीम को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया इस 3.17 के वर्जन में। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप डिजिटली इसको जो है करा सकते हो रजिस्टर। टेक्नो का हो गए, यहाँ पर टेक्नो का देख सकते हो आप, बहुत सारे मॉडल है इसके अंदर भी। अगर आपको टेक्नो का करना है तो मतलब MTK का जो जितना प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व होने वाला है। वीवो का देख लेते हैं, S1 है, S1 न्यू आ चुका है इसके अंदर, Y11 आ चुका है, Y20T है, Y21 है, जो पहले नहीं ऐड था लेकिन अब बहुत सारे मॉडल इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो शायद हमें ज़रूर पड़े किसी और बॉक्स की। अगर आपके पास मिराकल है तो आप ये काम कर सकते हो। क्यूलकम में बहुत कम मॉडल, मतलब पहले जितने थे उतने ही हम क्यूलकम में जाके देखते हैं, तो यहाँ पर वीवो, शामी, यहाँ पर ओप्पो है। अब क्यूलकम में जितने भी ओप्पो के जो भी वर्जन है ये यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारे ओप्पो के मॉडल दिए गए हैं। तो जाइए और ये डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करके इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो भी आप इसको रजिस्टर करा के यूज़ कर सकते हो। रजिस्टर का आपको नेट पर मिल जाएगा, आप मिराकल सपोर्ट में जाके वहाँ पर किसी से भी कॉन्टेक्ट करके इसको रजिस्टर करा सकते हो, जो कि बहुत आसानी के साथ हो जाता है, करीबन 2 मिनट में हो जाता है। तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको और भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे।